नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में रखे आयुष विश्वविद्यालय की नींव। अचानक बारिश हुई तो बोले इंद्रदेव भी देने आए हैं आशीर्वाद। अपने संबोधन में राष्ट्रपति कोविंद ने गुरु गोरखनाथ को किया याद, कहा जो सुख है वही स्वर्ग है, जो दुख है वही नरक। जनधन योजना के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा योजना से हुआ अनगिनत भारतीयों का सशक्तिकरण। पीएम मोदी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के फाइनल में पहुंची भाविना बेन को दी बधाई, बोले आपकी उपलब्धि ने पूरे देश को दी प्रेरणा। तटरक्षक बल का निगरानी पोत विग्रह, कोस्ट गार्ड में हुआ शामिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गिनाई पोत की खूबियां। रक्षा मंत्री बोले भारत में स्वदेशी पोत निर्माण के अब की असीम संभावना, घरेलू उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए केंद्र लाया कई नीतियां। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को नोटिस, ईडी ने पूछताछ के लिए उनकी पत्नी को भी बुलाया। भतीजे अभिषेक बनर्जी के समर्थन में उतरी सीएम ममता बनर्जी, बोली एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमसे नहीं लड़ सकता केंद्र। दिल्ली के अस्पतालों में लंबी लाइन की जगह घर बैठे मिलेगा अपॉइंटमेंट, सीएम केजरीवाल बोले अब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे सारे हॉस्पिटल। तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, का ख्याल रखें त्योहारी सीजन में कहीं ना उमड़े भीड़। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बारिश से फिर दरके पहाड़, कई जिलों में अलर्ट जारी, 200 से ज्यादा सड़कें बंद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला, का भाजपा के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए है कृषि कानून। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच राहुल गांधी से मिले हरीश रावत, सिद्धू के बयान पर बोले सबका अपना अपना तरीका। सपा में शामिल हुए मुख्तार अंसारी के भाई सिकातुल्लाह अंसारी, बसपा के अंबिका चौधरी भी साइकिल पर हुए सवार। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, सरकार ने शिक्षकों कर्मचारियों के टीकाकरण का दिया निर्देश। राहुल गांधी ने भाजपा के चंदे में 50% की बढ़ोतरी पर साधा निशाना, बोले क्या इस अनुपात में जनता की भी बड़ी आमदनी। भारत समेत कई देशों में ट्विटर और ट्वीट देख की सेवाएं बहाल, शुक्रवार की शाम से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर आ रही थी दिक्कतें। यूपी के मुरादनगर में सरकारी अस्पताल से 2 दिन का नवजात चोरी, गुस्साए परिजनों का जमकर हंगामा, मेरठ हाईवे किया जाम। गरीब रथ ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, लगेंगे इकोनॉमी क्लास AC 3 कोच, सस्ता होगा किराया। हरियाणा के करनाल में बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर लाठी चार्ज, टिकैत बोले 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत से ध्यान भटकाने की कोशिश। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कई नेताओं की वापसी की कवायद, इसमें राजीव बनर्जी और दीपेंदु बिस्वास का नाम सबसे ऊपर। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल की डराने वाली भविष्यवाणी, का 29 सालों में समुद्र में डूब जाएगा मुंबई का बड़ा हिस्सा। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में तमिलनाडु सरकार लाई प्रस्ताव, हंगामा करते हुए विपक्ष ने विधानसभा से किया वॉकआउट। इंदौर के बाद अब देवास में फेरी वाले से क्रूरता की घटना आई सामने, आधार कार्ड नहीं दिखाने पर बेल्ट और डंडों से की पिटाई। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने दिया विवादित बयान, बोले जब तक हिंदुओं की संख्या अधिक तभी तक बचा है संविधान। मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान को मिला 6.7 कैरेट का हीरा, 2 साल में खुदाई में 6वीं बार चमकी किसान की किस्मत। एस्टोनिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में केवल 1 उम्मीदवार, आजादी के बाद 30 सालों में देश में पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति। ब्रिटेन UAE के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है FTA वार्ता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले भारत मुक्त व्यापार करार को देगा वरीयता। जंतर मंतर पर आयोजित कार्यक्रम के आयोजकों को हाईकोर्ट से झटका, सांप्रदायिक नारे लगाने के मामले में जमानत याचिका को किया खारिज। सजा पूरी होने के बाद जासूस को भेजा जा रहा है पाकिस्तान, 15 साल पहले जासूसी के जुर्म में गिरफ्तारी के बाद हुई थी सजा। अमेरिका में अफगान नागरिकों को शरण देने के मामले पर बढ़ा मतभेद, डोनाल्ड ट्रंप बोले उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए शरण जिन्होंने की अमेरिका की मदद। दिल्ली हाईकोर्ट ने फुटपाथों पर जारी अतिक्रमण को हटाने पर दिया जोर, का दैनिक आधार पर करें कार्रवाई, कभी कभार अभियान चलाकर ना करें खाना पूर्ति। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए बैठक की मेजबानी करेगा इराक, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की के साथ संयुक्त अरब अमीरात बैठक में लेगा हिस्सा। व्यक्तिगत वाहनों के लिए शुरू होगी नई BH पंजीकरण श्रृंखला, वाहनों के हस्तांतरण में लोगों को होगी आसानी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभी जांच रिपोर्ट ठीक, सवाई मानसिंह अस्पताल ने संवाददाताओं को दी जानकारी। अमेरिका को इस साल $3,120 अरब के बजट घाटे का अनुमान, संघीय सरकार के अर्थव्यवस्था के बेहतर होने की उम्मीद को लगा झटका। घरेलू हिंसा मामले में अदालत में रो पड़ी पंजाबी गायक हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने हर्जाने के तौर पर 20 करोड़ की रखी मांग। सोशल मीडिया पर बंगाल सीएम ममता को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के खिलाफ दर्ज किया मामला। सुल्तानपुर में छापा मारकर 46 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई।
चीन ने ताइवान जल डमरू से अमेरिकी जहाजों के गुजरने पर जताया विरोध। विदेश मंत्रालय ने कहा उकसाने वाला कदम उठा रहा है अमेरिका। नागपुर में आपात स्थिति में उतारा गया बांग्लादेश का विमान, पायलट को दिल का दौरा पड़ने के बाद लेना पड़ा फैसला। तुमसुरी को मिला गौतम बुद्ध नगर के डीएम का अतिरिक्त प्रभार, सुहास एलवाई के पैरा ओलंपिक खेलों में शामिल होने की से खाली है पद। गड्ढों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठेकेदार ने की पहल, रफीक ने डंपर से स्टोन क्रेशर मंगाकर भरवाए सड़कों पर बने गड्ढे। ग्रेटर नोएडा पेपर मिल कंपनी में लगी भीषण आग, 24 घंटे बाद भी आग बुझाने में नाकामयाब रही दमकल की कई गाड़ियां। बिजनौर के सभी थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, अधिकारियों ने कई समस्याओं का मौके पर ही किया निस्तारण। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन, बोले बिजनौर के सभी स्वास्थ्य केंद्र पर लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को एकतरफा मुकाबले में हराया, टीम इंडिया को पारी और 76 रन से दी करारी मात। दूसरी पारी में सिर्फ 278 रन पर ढेर हो गई टीम इंडिया, रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा 5 खिलाड़ियों को किया आउट। अब 30 सितंबर को नहीं होगी बीसीसीआई की सालाना बैठक, कोरोना महामारी की वजह से बोर्ड ने लिया फैसला। टोक्यो पैरा ओलंपिक में तीरंदाज राकेश ने जगाई पदक की उम्मीद, कंपाउंड ओपन इवेंट में हांगकांग के खिलाड़ी को हराया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।